दोपहर टॉप 10 के बाद दोपहर प्राइम टाइम की शुरुआत की जो कर रहे हैं वो हम दिल्ली की खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में होली पर हंगामा हो गया। मुस्लिम छात्रों के एक गुट ने होली मिलन समारोह का विरोध किया और इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में छात्रों का एक ग्रुप होली का विरोध कर रहा है, नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में प्रदर्शनकारी अल्लाहु अकबर और नाराए तकबीर जैसे नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही धमकी दे रहे हैं कि यहाँ होली नहीं मनाने देंगे। छात्रों के इस विरोध की वजह से होली मिलन समारोह बीच में ही रद्द करना पड़ा। इसके बाद छात्रों ने इसकी शिकायत यूनिवर्सिटी प्रशासन से की। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अब इस मामले की जांच कर रहा है। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जामिया परिसर के अंदर एक लॉन के अंदर कुछ छात्र होली मिलन समारोह मना रहे थे, तभी कुछ दूसरे छात्र वहां पर पहुंचते हैं, अल्लाहु अकबर नारे तकबीर के नारे वहां पर लगाते हैं और होली मिलन समारोह का विरोध करते हैं। ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। जब हम जामिया पहुंचे तो पता लगा कि होली मिलन समारोह 1 मार्च को ऑर्गेनाइज किया गया। जामिया कैंपस के अंदर ये 13 नंबर गेट है और 13 नंबर गेट के अंदर ये लॉन आप देख रहे हैं। इसी लॉन के अंदर जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो होली मिलन समारोह उन्होंने आयोजित किया था। युवा है, युवा नाम से एक ग्रुप है जो जामिया के अंदर इस तरीके के कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है। हालांकि स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उन्होंने प्रॉक्टर को इस इवेंट के बारे में, होली मिलन समारोह के बारे में जानकारी दी थी। हालांकि ओपन लॉन में ये समारोह होना था और इस समारोह में किसी भी तरीके का लाउडस्पीकर या कोई धार्मिक स्लोगन रेज नहीं किए जाने थे, तो स्टूडेंट्स जो है वो 50 की संख्या में इसी लॉन के अंदर होली मिलन समारोह मना रहे थे। उसी दौरान कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, वो अल्लाहु अकबर और नारा तकबीर के जो नारेबाजी यहाँ पर की जाती है और होली मिलन समारोह का विरोध करना शुरू करते हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है दरअसल वो इसी सीढ़ियों की है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक काले रंग का कुर्ता पहने शख्स जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, प्रॉक्टर के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और होली मिलन समारोह जो यहाँ पर हो रहा था उसका विरोध करते हुए भी नजर आ रहा है। हालांकि स्टूडेंट्स का ये कहना है कि वो अक्सर सभी त्योहार इसी कैंपस में मनाते हैं, लेकिन इस बार जब होली मिलन समारोह का आयोजन यहाँ पे किया गया तो कुछ छात्रों ने उसको लेकर विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि जो छात्रों ने होली मिलन समारोह यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था उनका कहना है कि मोस्टली सभी फेस्टिवल जो है वो जामिया के 7 नंबर गेट और 8 नंबर गेट के आसपास ही सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन होली का मौका था किसी और की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, कलर किसी और को ना लगे, इसलिए जामिया कैंपस के बिल्कुल लास्ट में ये 13 नंबर है और इसी में एक पूरा लॉन था जहां पर होली मिलन समारोह आयोजित किया गया ताकि किसी और की भावनाएं आहत ना हो। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग आते हैं, वो धार्मिक स्लोगन रेज करते हैं, नारे तकबीर के नारेबाजी यहाँ पर की जाती है और कहीं ना कहीं होली मिलन समारोह पे भंग डालने की कोशिश करते हैं। हालांकि जिस समय ये होली मिलन समारोह यहाँ पर किया जा रहा था 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, उसमें काफी प्रोफेसर्स भी शामिल थे। स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि प्रोफेसर्स के सामने इस तरीके के स्लोगन रेज किए गए, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ही नारेबाजी की गई। हालांकि इस मामले में अब इंक्वायरी सेटअप की गई है। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वो पहचान कर रहे हैं कि कौन वो लोग थे जिन्होंने इस तरीके से स्लोगन रेज किए हैं। परमिशन को लेकर भी तमाम चीजें जो है वो वेरीफाई की जा रही है कि इस इवेंट को लेकर क्या कुछ परमिशन को लेकर पेपर वर्क किया गया था। लेकिन जामिया के अंदर इस तरीके की घटना होना कहीं ना कहीं शांति और सौहार्द को लेकर एक बड़ा खतरा दिखाता हुआ नजर आता है। लेकिन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि वो अक्सर सभी फेस्टिवल्स इसी तरीके से मनाते हैं, लेकिन इस बार होली मिलन समारोह में धार्मिक स्लोगन रेज किए, जिसको जामिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जामिया यूनिवर्सिटी में जिन छात्रों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया था उन छात्रों से बात की हमारे संवाददाता जतिन ने। सुनिए छात्रों ने उस घटना के बारे में क्या जानकारी दी। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जो होली मिलन समारोह मना रहे थे, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार विवाद शुरू कहां से हुआ, क्या कुछ हुआ उस दिन, कितने लोग थे जो होली मिलन समारोह मना रहे थे और कितने बजे की घटना है, क्या कुछ हुआ। ये घटना 1 मार्च की है
हम लोग लगभग 40-50 बच्चे थे जो होली के ओकेजन पे प्री होली सेलिब्रेशन का करने वाले थे। तो हम लोगों ने ये एक गेट नंबर 13 के पास एक लॉन चुना था जो हम लोग इनफॉर्मल सेटअप में बस बच्चे आपस में जो घर जाने से पहले यूजुअली होता है कि एग्जाम वगैरह के बाद बच्चे जाते हैं घर, तो उसके लिए हम लोगों ने गुलाल से खेलने का और मिठाई स्वीट्स वगैरह एक्सचेंज करने का ये 2-4 बजे के बीच शेड्यूल था हम लोगों का। तो 2 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया। फिर उसके बाद क्या नाम से कुछ अचानक से हैंडफुल ऑफ लोग स्टूडेंट्स आए या कैंपस में आए हम लोग के वेन्यू जहां हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे अपने प्री होली सेलिब्रेशन। तो कुछ दूर 2-3 लड़कियां थी जो हमारे सेलिब्रेशन का पार्ट नहीं थी पर वो दूर से बस स्पेक्टेटर बन के देख रही थी। तो जो मिसक्रिएंट्स आए थे फ्रिंज एलिमेंट उन लोगों ने पहले उन लड़कियों के साथ हैकलिंग की, उनको शेम किया, उनके साथ बदतमीजी की, उन कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें बोली कि तुम ऐसा कैसे, उनको शेम किया बेसिकली कि तुम होली सेलिब्रेशन क्यों देख रही। बता दूं मैं कि वो पार्ट भी नहीं थी, वो बस देख रही थी सेलिब्रेशन। तो उनको ज़बरदस्ती वहाँ से भगाया, वो लड़कियाँ बस सेलिब्रेशन का पार्ट भी नहीं थी तब भी उनको हटाया। वो बेसिकली खुश नहीं थे कि जामिया में कैसे आप होली मना सकते हो। और फिर उसके बाद उन लोगों ने हमारे तरफ अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला, लगातार रिलीजियस स्लोगनिंग की, हैकलिंग किया और प्रॉक्टर के अगेंस्ट भी कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स और लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया। होली जो बच्चे मना रहे थे जो सेलिब्रेशन में शामिल थे उनके खिलाफ भी और त्यौहार के खिलाफ भी आपत्तिजनक बात की और क्या नाम से लगातार प्रोवोकेशन उनके तरफ से हो रही थी। तो हम लोगों ने 2-4 मनाने का प्लान था लेकिन हम लोगों ने कुछ देर वहाँ मनाया। फिर उसके बाद फिर हम लोग वो कांस्टेंट प्रोवोकेशन के बाद उनके हैकलिंग के बाद फिर थोड़ी देर बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। वीडियोज हम देख रहे हैं उसमें गुलाल लगे हुए बच्चे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या थी? हम लोग तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से एक अपना होली मिलन समारोह मना रहे थे पर उन लोगों की मंशा जैसे उन्होंने नारे लगाए हैं जिस हिसाब से उनके स्लोगन्स थे तो उससे जाहिर होती है कि वो कैंपस का एक सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की उनकी मंशा साफ जाहिर होती है उनके स्लोगन से। वो चाहते थे कि कैसे भी हम लोग उनके स्लोगन्स पे रिएक्ट करें और बात आगे बढ़े पर हम लोगों ने एक क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ माहौल जामिया के अंदर क्रिएट हो के कॉम्युनल कुछ बातें हो, हम लोग वहाँ अपना 2 घंटे के कार्यक्रम को 1 घंटे में समाप्त करके कैंपस के बाहर निकले और वहाँ से हम गए और उसके बाद उन्होंने वहाँ पार्क में जहाँ हम होली मना रहे थे वहाँ और ज्यादा नारेबाजी हुई है। सभी धर्म के लोग इस कैंपस के अंदर पढ़ाई करते हैं, कभी ऐसा सोचा था कि इस तरीके से भी हो सकता है? नहीं, सोचा तो नहीं था पर कुछ लोग हैं जो बार बार ये हरकतें जामिया में कैंपस के अंदर करते हैं। कोई भी एक रिलीजियस सेलिब्रेशन हो रहा है या कोई भी एक फेस्ट हो रहा है तो उसमें आके वो उसको कॉम्युनल एंगल देने की बार बार कोशिश करते हैं। हम लोग इससे बचना चाहते हैं बट फिर भी कुछ आएंगे अपना जबरदस्ती अब नारा लगाएंगे तो उस माहौल को कॉम्युनल करने का प्रयास रखते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात प्रयागराज के उमेश मर्डर केस की जिसमें रंगदारी का नया एंगल सामने आया है। दरअसल खुलासा हुआ है कि माफिया अतीक अहमद उमेश पाल से 1 करोड़ की रंगदारी मांग रहा था और इनकार करने पर उमेश को लगातार अतीक गैंग की तरफ से धमकी मिल रही थी। तो क्या उमेश की जान राजू पाल केस में गवाही की वजह से नहीं बल्कि जमीन कब्जे की लड़ाई में गई है? मर्डर की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने उमेश की मां और पत्नी से बात की। उन्होंने क्या बताया, क्या एक्सक्लूसिव बातचीत रुचि की इनसे हुई, सुनिए। उमेश पाल ने अभी अगस्त में एक FIR कराई थी जो अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ थी। इस FIR में साफ लिखा है कि एक ज़मीन को लेकर विवाद था, ये ज़मीन पीपल गांव में है और अतीक के गुर्गे ये धमकी दे रहे थे कि जब तक 1 करोड़ रुपया नहीं देंगे उमेश पाल तब तक उस ज़मीन पे कब्जा नहीं मिलेगा। और यहाँ इस FIR में ये भी लिखा है कि अगर 1 करोड़ रुपया नहीं दिया तो उमेश पाल मार दिया जाएगा। अभी इस समय हम घर पर हैं उमेश पाल जी के, उनकी माँ उनकी पत्नी हमारे साथ है। ये जो धमकियों का सिलसिला था ये कब से चल रहा था? धमकियों का सिलसिला थी जब राजू पाल मारा गया था उसके बाद ही 2 साल के बाद बेटे का अपहरण कर लिए था। रास्ते में आ रहे थे वहीं पास 3-4 गाड़ी लगा के उसको रोक करके अपनी गाड़ी पे घसीट के बैठा के लेके भाग गए। तो हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने काफ़ी हंगामा मचाया। 3 दिन मेरे बेटे को अपने कस्टडी में जहाँ भी रखा रहा हुआ, 4th दिन जाके उसको रीवा ले जाके पहाड़ी जहाँ भी छोड़ा। तब बेटे ने फ़ोन किया तो
तो चौथे दिन रात को 9 बजे मेरा बेटा घर आया। फिर जब से वो आया था बार बार यही धमकियाँ देता था कि तुम गवाही छोड़ दो नहीं तुम्हारी ज़िंदगी खैर नहीं है। ये तो खुलेआम धमकी दे रहा था, खुलेआम धमकी दे रहा था। और ज़मीन के बारे में मुझे ज़मीन तो मैंने देखा नहीं, लेकिन ये बता रहे थे कि वो अम्मा आजकल मुझसे मांग रहा है और धमकी दे रहा है खुलेआम। मैंने कहा भैया क्या करोगे कन? मैंने कहा गवाही ना दो छोड़ो कन, मेरा अपहरण केस है, आज अगर हम नहीं बोलते तो ये मत डालेगा। लेकिन इतना कहने पे देखिए मरवाने में शुरू से ये कह रहा था, इसने अतिक ने मरवाया। मैं पहले भी कह रही थी अब भी मैं कह रही हूँ कि उसी ने मरवाया, उसके भाई, उसके लड़के, उसके गुंडे। भाई वो जेल में था, अपने लड़के को कह दिया लेकर के जितने गुंडे आया रहा हो, रास्ते में धाक पाया नहीं, चढ़ के आया जहाँ से लगा रहा हो आके मेरे गली के सामने मारा। हम लोग कर क्या सकते थे, इतनी कुछ टाइम नहीं मिला कि कुछ हम लोग कर पाए। जब लड़का ही नहीं समझ पाया कि एक पैर गाड़ी पे एक पैर बाहर, तभी तो गोली चलना शुरू हो गया। ये था कि उसने जो कहा मरवा डाला, पूरा हाथ अतिक कहा। अब मेरा ही कहना है कि जैसे मेरे बेटे को मारे उसी तरह सरकार अतिक अतिक के भाई इसके पूरे लड़कों को काउंटर करवाए मरवाए। इसलिए मेरा बेटा न बदमाश था न लड़ाई किसी से, एक पैसे की किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरा बेटा एडवोकेट था, जब आज काले कपड़े कत्थई वर्दी का जब मर्याद भंग कर दिया अब रह क्या गया। बेटा भी मारा गया साथ, दोनों करार भी मारे गए, तो जब काले खाकी वर्दी का कोई महत्व रह गया तो अब क्या रह गया, कुछ नहीं रह। आपका बेटिया जो है उमेश पाल कुछ बताते थे कि अतीक अहमद के गुर्गे कैसे धमकी दे रहे हैं, क्योंकि अतीक तो जेल में गुंडे नहीं धमकी देते, स्वयं धमकी देता था। फोन आता था अतीक का? अतीक का फोन आता था। किसके पास? भैया के पास। भैया मतलब आपके बेटे उमेश पाल? जेल से फोन आता था। हाँ आप जहाँ भी रहता तो जेल ही में था बेटा, धमकाता था और मुझसे चक्कर बोला था, मुझको बुलवा करके बोला था मुझसे स्वयं कि अपने बेटों को समझा ले, बयान पलट दे और नहीं तो मैं कसम खा रहा हूँ कि मरवा डालूँगा। और फोन के लिए नहीं बताए, मतलब धमकियाँ मिलती थी पता है। जैसे ये जो ज़मीन का FIR आपके पति ने कराई थी कि 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी, इसकी कोई जानकारी आपके आपको आपके पति ने? नहीं इसकी जानकारी हमें नहीं है, सिर्फ ये गवाहीदार मिलते तो गवाह दे, गवाह के धमकाने के लिए कई माध्यम लिए जाते हैं। अब ये माध्यम उन्होंने बनाया होगा, उस वजह से उन्होंने इस तरह से काम किया। और बराबर उन्होंने यानी फ़ोन बराबर आते थे कि वो जो है धमकियां दिया करता था कि किसी प्रकार से तुम गवाही को पलटो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। किसका फ़ोन आता? मिस्टर अतीक अहमद का। जी देखिए मेरा ऐसा है कि ज़मीन के बारे में उन्होंने कहाँ FIR की, ज़्यादातर घर में बताते नहीं, उनका मुकदमा चल रहा था। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। नहीं बताया कि अब मेरा फैसला आ गया करीब। जैसे आप कह रही अतीक अहमद का फोन आता था, कितना फोन आता था, आपने भी कभी सुना फोन? नहीं फोन सुना नहीं, लेकिन जब वो बात करते थे तो हम तो उनके पास ही रहते थे, सारी बातें वो करते थे तो बात सुना भी हमने। क्या सुना था थोड़ा बताइए? कि तुम अपने ये जो कर रहे हो ये काम जरा छोड़ दो, नहीं मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, जहाँ पाऊंगा वहीं मारूंगा तुमको, और अपने गुर्गों को समरवाऊंगा। भाई उसके भाई का भी सपोर्ट था, बेटे का भी सपोर्ट रहा, वो स्वयं सक्षम था हर चीज़ के लिए। अच्छा तो जेल से फोन आता था तो आपके पति उमेश पाल ने इसकी शिकायत की कि जेल से अतीक अहमद फोन करके धमका रहा है? नहीं उन्होंने शासन प्रशासन में अपने
क्या में कार्रवाई किया, उन्होंने कागज के माध्यम से सब जगह पे उन्होंने भेजा भी, इस चीज़ के लिए बहुत जगह आप चाहे पता भी कर सकती हैं। तो आप लोगों को जब फ़ोन आता था तो क्या कोई रात के टाइम, किस टाइम फ़ोन ज़्यादा आते थे? ऐसा कोई नियम नहीं था कि किस रात में ही आए, वो एनी टाइम किसी समय भी करता था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।